दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पैंट का बेल्ट लगाना बताएंगे, किस तरीके से बेल्ट लगाते हैं और चैन लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये अपना बेल्ट है, यहाँ तक मैंने फ्लाई वगैरह अटैच कर ली है दोनों तरफ ही। ये देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से मैंने फ्लाई और चैन वगैरह अटैच कर रखी है। दोस्तों अब एक तरीका तो ऐसे होता है कि अभी अपने यहाँ पे बेल्ट लगा सकते हैं, यहाँ से अपने बेल्ट स्टार्ट कर सकते हैं। एक तरीका दोस्तों ये होता है कि अपने पहले चैन को लगा लें और उसके बाद में बेल्ट लगाएं। तो मैं दोस्तों आज ये तरीका नहीं बताने वाला, पहले चैन लगा के बेल्ट लगाने वाला तरीका बताऊंगा। दोस्तों इस तरीके से कुछ लोगों के अल्टर आ जाते हैं चैन लगाने में, ठीक है दोस्तों। अगर उस तरीके को फॉलो करोगे जैसे कि अभी मैं बताने वाला हूँ, उसमें कभी अल्टर नहीं आएगा। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरीके से पैंट को नीचे से जोड़ लेना है। तो अब मैं पहले आपको जोड़ के दिखा देता हूँ पैंट को किस तरीके से जोड़ना है। दोस्तों इस तरीके से अपने पैंट जहाँ पे जुड़ेगी ऊपर नीचे एडजस्ट कर लें कि ये घूमे नहीं, आपका यहाँ कोई रिंगेट वगैरह ना आए, घूमे नहीं, इस बात का ध्यान रखें और इसको जोड़ लें। तो मैं अब आपको जोड़ के दिखाता हूँ, इसके बाद में बेल्ट लगाना बताऊँगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पे मोरी मुड़ेगी इसकी बॉटम, वहाँ पे आप एक पक्का कर लीजिए जिससे कि यहाँ से उखड़े नहीं। दोस्तों यहाँ पे थाई पे एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, आपको पता ही होगा, मैं जो भी कटिंग करता हूँ उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा पे मैं इसको इस तरीके से जोड़ रहा हूँ। दोस्तों दूसरी साइड को भी इसके बिल्कुल बराबर में ही जोड़ लेना है, जैसे कि उस साइड को जोड़ा है उसी तरीके से। तो मैं जल्दी से जोड़ लेता हूँ इसको। इस तरीके से दोस्तों जोड़ लेना है और यहाँ पे थाई वाली जगह पे आपको डबल कर लेना है, डबल सिलाई, जिससे कि यहाँ से ये उखड़े नहीं। इस तरीके से दोस्तों दोनों पे सिलाई कर लेनी है आपको। अब दोस्तों अपने चैन को लगाएंगे, वो देखिएगा किस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरीके से इस पीस को करना है और इसको यहाँ पे सिलाई को चीर लेना है। नाखून से आप इस सिलाई को चीर सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने इसको चीर लिया। इसी तरीके से दोस्तों दूसरे पीस को भी यहाँ से नाखून से चीर लीजिएगा और बाद में इसको जोड़ लेना है। तो मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा जिससे कि आपको पैंट में बेल्ट लगाने में कभी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो पैंट के पॉकेट्स वगैरह तो बना लेते हैं अच्छे, पर उनको बेल्ट लगाने का तरीका नहीं पता होता, तो वो इस वीडियो को पूरा देख लें जिससे कि वो पैंट बनाना सीख जाएं। अब दोस्तों आपको इस तरीके से इसको मिला लेना है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर को एकदम प्रॉपर सही मिला लेना है और इस तरीके से सिलाई करनी है। दोस्तों ये थोड़ी दूर तक सिलाई करने के बाद में आपको वापस सिलाई डबल कर लेनी है, बिल्कुल सिलाई के ऊपर, और ये इस तरीके से इस पैटर्न को पकड़ना है। अब देखिएगा दोस्तों इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब इसको इसके ऊपर इस तरीके रखना है। अब देखिए यहाँ पे सिलाई दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली, आपको इस सिलाई के बिल्कुल सीधे तक
सिलाई कर लेनी है थोड़ी दूर ऊपर तक, इस तरीके से देख लीजिए दोस्तों, इससे इतनी दूर ऊपर तक। यहाँ पे अब इसी सिलाई को वापस सेंटर तक ले आएंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बनना चाहिए इस तरीके से। अब इसको ऐसे रखना है, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए कि कितनी दूरी बन रही है नीचे से, यहाँ पे इतनी दूरी को ही बनाते हुए चैन को ऊपर तक लगाना है। यहाँ पे ये देखिए इतनी दूरी बनाते हुए इस तरीके से। अब दोस्तों ये चैन को सिलाई ऊपर तक कर लेना है। अब थोड़ी सिलाई करने के बाद में चैन को खोल लीजिए और इस तरीके से रखिए, और यहाँ पे इस तरीके से इतना नम डाल दीजिए चैन में, जिससे कि आपकी चैन सामने से उठेगी नहीं, एकदम साथ चिपी हुई रहेगी, चिपकी हुई रहेगी। इस तरीके से दोस्तों डबल सिलाई कर लीजिएगा। अब दोस्तों अपने ऊपर फ्लाई के ऊपर की सिलाई करेंगे चैन को पक्का करने की, तो इस तरीके से इसको पकड़ लीजिए इस तरीके से, इसको सही करके रख लीजिए, और लगभग यहाँ से 1.5 इंच या 1.25 इंच की दूरी पे आप सिलाई कर सकते हैं। तो मैं लगभग दोस्तों 1.5 इंच की दूरी पे सिलाई करता हूँ कि देखने में काफ़ी अच्छी लगे। दोस्तों ये मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है, आप लोग देख सकते हो कि कितनी प्यारी सिलाई हुई है। इस तरीके से आप एकदम अच्छे से राउंड करते हुए ये पैटर्न पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने चैन लगा ली है, अब आप लोग देख सकते हो कि कैसी चैन लगी है इसमें। ये देखिए दोस्तों एकदम अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये चैन लग चुकी है, अपने बैक साइड से भी देख सकते हो आप इस तरीके से। अब दोस्तों अपने बेल्ट को अटैच करेंगे ऊपर। पहले दोस्तों इसको इस तरीके से एक मार्का कर लेंगे, जिससे कि अपने ध्यान रहे दोनों को इसके बिल्कुल निशान के ऊपर जोड़ना है। अब दोस्तों बेल्ट लगाएंगे अपने, तो मैं अब आपको बेल्ट लगा के दिखा देता हूँ। दोस्तों अब बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले अपने लूपी बनाई होनी चाहिए, तो मैंने लूपी बना ली थी। अगर आपको नहीं बनानी आती तो आप कमेंट कीजिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, जिससे कि ये बिना प्रेस के चीरे हुए लूपी आप बना सकते हो। तो दोस्तों ये लूपी आप देख सकते हो किस तरीके से बनी हुई है, और इससे भी आप अच्छा बना सकते हो लूपी बिना प्रेस किए हुए। तो ये मैंने प्रेस के बिना ही लूपी बनाई है। अगर आपको बनानी सीखनी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो दोस्तों इसमें मैंने टिकट पॉकेट पहले से लगा रखी है बेल्ट में, और दोस्तों यहाँ पे हुक भी मैंने लगाए हुए हैं। ये एक लुक हुक है जो ऊपर की साइड में बिल्कुल बराबर है, और दूसरा हुक यहाँ पर अपना बेल्ट स्टार्ट होगा उसके बिल्कुल बराबर है। इस तरीके से पैंट में हुक लगते हैं, हुक मैंने अच्छे से लगा लिए हैं। अब बेल्ट लगा के आपको दिखा देते हैं किस तरीके से बेल्ट लगाना है। अगर आप पैंट को पूरा नहीं बनाना जानते तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आप पैंट बनाना पूरा सीख जाओगे बिल्कुल आसानी के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे जो नोच लगाई हुई है अपने, बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है और सिलाई करनी है। दोस्तों सेकंड नोच पे अपने लूपी रखनी है, ये लूप्स के लिए नोच लगाए हुए हैं इसमें, उन पे
लुपी रखनी है। दोस्तों लुपी को रखने का भी एक तरीका होता है, जैसे ये देखिए जिस साइड में सिलाई चीरी हुई है यानी कि जिस साइड में साफ है उसको इस तरीके रखना है और ऊपर की साइड में सिलाई चीरी हुई रखनी है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे अब है तो यहाँ पे रख लेनी है। दोस्तों यहाँ जहाँ पे नोचेस लगाए हुए हैं लूप्स के लिए वहाँ पे लूप लगाने हैं। अब दोस्तों आपको क्या देखना है, ये नोच और जो पैंट में अपने ये नोच लगी हुई है इनको देखना है अपने कि ये बिल्कुल बराबर में आई है या नहीं आई। अगर फ़र्क पड़ता है, कम ज़्यादा होती आगे पीछे होती है, तो आपको इस नोच से भी उतना बेल्ट को आगे पीछे करके रखना होगा। तो अब अपने दोस्तों बिल्कुल बराबर आया तो बिल्कुल बराबर रखते हुए इस बेल्ट को लगाएंगे। अब अपने लूप्स जो होंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, एकदम बिल्कुल सही आएंगे, जहाँ पे दूसरी साइड के आए उसी साइड पे वहाँ पे ही आएंगे। अब दोस्तों नोच के लूप्स रखते चलना है और सिलाई करते चलना है आगे। अब दोस्तों ये जो निशान लगा हुआ है, अब ये यहाँ पे बेल्ट मुड़ेगा बिल्कुल इसके बराबर इस तरीके रखना है और इसको आगे पूरा स्टिच कर लेना है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो अपने टिकट पॉकेट लगी हुई है, टिकट पॉकेट के ऊपर यहाँ से बिल्कुल सिलाई स्टार्ट करेंगे और बेल्ट के इस साइड आगे सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से आपने पक्का करते हुए सिलाई को लगाना है। इस तरीके से दोस्तों ये सिलाई लगा लेनी है पहले और इसके बाद में अपने यहाँ लुपी को नीचे पक्का कर लेंगे बेल्ट से आधा इंच नीचे करते हुए। अब इस बेल्ट को आगे से बंद कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों किस तरीके से इसको बंद करना है, इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, घुमा लेना है और इसको अब दोस्तों इसको भी इस तरीके से स्टिच कर लेना है। दोस्तों देखिए इस तरीके से अपना बेल्ट लग चुका है, ये देख सकते हो आप। इस साइड का भी इस सिलाई को अब लगाएंगे आगे तक और इसके बाद में नीचे लूप्स पक्के करते हुए और ऊपर की सिलाई कर लेंगे और इसके बाद में आपको बैक की जो सीट होती है सीट को भी जोड़ना बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से जो ये मार्जिन होता है इसको ऊपर की साइड में करते हुए इस सिलाई को कर लेना है, बिल्कुल बेल्ट के ऊपर किनार का लव की सिलाई करनी होती है।
दोस्तों इस सिलाई को अपने यहाँ पे टिकट पॉकेट तक का निशान लगाया और यहाँ तक ही करनी है और इस तरीके से अच्छे से पक्का कर लेना है। आगे की सिलाई की हुई है और यहाँ से इसके बराबर से इस साइड में अपने निशान लगा लेंगे। बाद में यहाँ से आगे तक सिलाई हो जाएगी और इधर नहीं रहे होगी सिलाई, और इसको यहाँ पे नीचे से त्रुपना होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से त्रुपते हैं हुक वगैरह लगाने के बाद। दोस्तों बेल्ट के आधा इंच नीचे करते हुए इनको पक्का कर लेना है लूप्स को, ताकि ये उखड़े नहीं। इस तरीके से दोस्तों इन लूप्स को सारों को पक्का कर लेना है, जैसे कि अभी मैंने कर लिया है। अब इन धागों को कैंची से काट लीजिए, अन्यथा तोड़ने हैं तो आप हाथ से भी तोड़ सकते हो। मैं धागे इसलिए दोस्तों तोड़ता हूँ कि ये इनका बिल्कुल जड़ से टूट जाए और धागा बार कोई दिखाई ना दे। आप कोई सा भी तरीका फॉलो कर सकते हो, काटना चाहो तो आप कैंची की मदद से काट सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कीजिएगा। अब दोस्तों लूप्स पक्के हो चुके हैं और बेल्ट अपना लगने वाला ही है। अब दोस्तों इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ऊपर की सिलाई कर लेंगे और लूप्स को ऊपर पक्का कर लेंगे। तो दोस्तों इसको बिल्कुल सही करते हुए अब दोस्तों देखिए यहाँ पे लूप्स को ऊपर पकड़ा, बिल्कुल बराबर में फोल्ड किया और सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है, ऊपर पक्का कर लेना है अच्छे से एक दो बार मशीन को आगे पीछे करते हुए। दोस्तों इस तरीके से बेल्ट के ऊपर की सिलाई लगा लेनी है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये कैसे सिलाई लगी हुई है। अब दोस्तों बेल्ट अपना लग चुका है, अब डाई रह गई है लगाने के लिए, और ये एक नीचे की यहाँ पे सिलाई रह गई है यहाँ वाली, ये वाली, तो अब आप देख सकते हो। अब इस सिलाई को भी कर लेंगे, अब दोस्तों डाई लगा लेंगे, इसके बाद में शीट जोड़ना भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। दोस्तों ये चैन के ये वाले सिलाई के यहाँ पे आएगी अपनी फर्स्ट डाई, और डाई को लगाने के बाद में आप डाई चेक भी कर सकते हो कि आपकी सही लगी है या नहीं लगी। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लगेगी, और अब इस तरीके से आप हुक लगा के चेक कर सकते हो। दोस्तों हुक लगाने के बाद में आपको चेक क्या करना है, इस तरीके से ये चेक करना है कि आपकी चैन की दूरी है जो यहाँ पर बिल्कुल पास में आई है या नहीं आई। अगर पास में ना आए तो दोस्तों सही कर लीजिएगा,
जिससे कि क्या होता है, जब बंदा अंदर सेटिंग करता है और बेल्ट वगैरह लगाता है तो यहाँ से चैन दिखने की या खिंचाव दिखाई देता है। तो ये अगर आपकी चैन यहाँ पे इस तरीके से सही लग जाएगी तो यहाँ पे खिंचाव नहीं दिखाई देगा, कोई अल्टर नहीं दिखाई देगा। इस तरीके से दोस्तों अल्टरों से बच सकते हो। दोस्तों ये आपके लिए एक टिप्स है जो आप नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है। एक हुक लगाने के बाद में दोस्तों आप इस तरीके से इसको पकड़ लीजिए और निशान लगा के दूसरी हुक भी लगा लीजिए। अब मैंने निशान कर लिया है, इस डाई को भी अब लगा लेंगे। अब दोस्तों ये टिकट पॉकेट के आगे जो सिलाई रही है थोड़ी, वो सिलाई पूरी करेंगे। तो इस तरीके से पक्का करके आगे तक इस सिलाई को लगा लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये सिलाई भी हो चुकी है, अपना बेल्ट पूरा लग के कंप्लीट है। अब दोस्तों अपने इसकी बैक जोड़ेंगे सीट यानी कि, तो वो किस तरीके से जोड़नी है ये भी देख लीजिए। दोस्तों 33.5 इंच कमर है, इंची टेप बिल्कुल स्टार्टिंग से लगाना है आपको यहाँ से, और इसको 33.5 का हाफ नाप लेना है। यहाँ पे 33 हुआ, यहाँ पे 33.5 हुआ। इस तरीके से बैग में निशान लगा लें और अब इसको यहाँ पे जो फर्स्ट डाई है यहाँ से मिलेंगे। और 33.5 पे यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इसको यहाँ पे जो बैक में लूप्स हैं इनको बिल्कुल बराबर करते हुए इसकी सिलाई कर लेनी है। दोस्तों आप देख सकते हो लूप्स को बराबर करेंगे तो बिल्कुल एकदम अपने आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम बराबर आएगा अपना मार्का, यानी कि अपनी पैंट बिल्कुल सही बनेगी। पहले एक सिलाई कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपका बेल्ट ऊपर नीचे तो नहीं जुड़ा, सही जुड़ा है तो आप नीचे से ये सीट वाली सिलाई पूरी कर लीजिए। इनको दोस्तों लूप्स के नीचे से जो मार्जिन बचा हुआ है इनको कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों अपना बेल्ट लग के तैयार हो चुका है। आज के इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था कि बेल्ट मैं कैसे लगाता हूँ और आप भी इस तरीके लगाकर अपने अल्ट्रों से बच सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।